हेलो गाइस, वीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट की विज्ञप्ति का आप सभी को लंबे समय से इंतजार था और ये इंतजार अब आपका आखिरकार खत्म हो चुका है और रीट की विज्ञप्ति ऑफिशियली जारी हो चुकी है। और ये विज्ञप्ति संशोधित विज्ञप्ति है जो पहले कोरोना की वजह से अटक गई थी और अब फाइनल रूप से ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो इसमें जो संशोधन किया गया वो ये है कि रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अंक 60% निर्धारित है। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% अंक निर्धारित है। रीट 2021 में रियायतें निम्नलिखित तरीके से प्रदान की गई। तो 2021 और 2017 में क्या डिफरेंस था वो अपन देख लेते हैं। तो बाकी तो लगभग सब में सेम ही है, लेकिन जो अपने को मेजर डिफरेंस दिख रहा है वो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और MBS, MBC और EWS, इनके बीच में अपने को देखने को मिल रहा है। तो जो पहले न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंटेज था वो 60 था, लेकिन रीट 2021 में 55% है। तो अच्छा मौका आप सभी के लिए। फॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 11 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम एकदम समय पर होगा आपका। रीट लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा जारी किए गए प्रावधान के अनुसार कम से कम 50% अंक से स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर से योग्यता तैयारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। यानी जिन स्टूडेंट के बीएड में 50% या इससे अधिक है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और या फिर जिनके स्नातकोत्तर में ग्रेजुएशन में परसेंटेज 50 से कम है लेकिन स्नातकोत्तर में 50 से अधिक है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट में वंचित रखा था, जिसे संशोधित कर अब कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और अध्यापक भर्ती में लेवल 2 है तो रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया। पूर्व में रीट लेवल 2 में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भार 30% था। अब इसे 90:10 कर दिया गया है। और बात करें तो पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया। पूर्व रीट परीक्षा में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। इनमें इन्होंने लिखा है कि हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण NCTE की गाइडलाइंस के आधार पर करवाया, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और उससे संबंधित टॉपिक को प्रमुख हिस्सा बनाया गया। तो अब राजस्थान के जो टॉपिक होते हैं उन पर खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अपनी वैकेंसी राजस्थान से रिलेटेड है तो राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा। और एग्जाम का जो फॉर्म है ये आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो 8 फरवरी तक रात में 12 बजे तक चलेगा। तो आप इस लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और टाइम पे फॉर्म फिल कर देवें। आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बधाई। और भी कोई आपके डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।